नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत गुप्ता है और एंड आई एम ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके प्रिवेंशन के लिए नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक कॉजेज ज़्यादा हैं, तो हम इसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हेल्दी डाइट खाना, डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट का सेवन ज़्यादा करना, एक्सरसाइजेस करना और अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। और इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के दो प्रमुख टेस्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन या जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्टेट भी कहते हैं, साथ में सीरम PSA असेसमेंट। PSA जो कि एक बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है और कैंसर में ये PSA बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर ऐसी कोई संभावना डॉक्टर को लगती है तो फिर अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या MRI और प्रोस्टेटिक बायोप्सी से हमें पता चलता है कि किस तरह का प्रोस्टेट कैंसर है और उसकी ग्रेडिंग कैसी है। अगर बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं देखने के लिए कि कैंसर आगे फैला है या वहीं लोकलाइज्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही सीमित है। इन टेस्ट में बोन स्कैन, PSA में पेट स्कैन, CT स्कैन एंड MRI टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं। इन सब टेस्ट के बाद अगला स्टेप होता है प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग करने का। स्टेजिंग में प्रोस्टेट कैंसर तीन तरह का हो सकता है, या तो लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही सीमित है। सेकंड स्टेज होती है लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर जो कि प्रोस्टेट से बाहर निकल गया है, लिम्फ नोड में चला गया है, बट लेकिन स्टिल ये कहीं बोन्स में और बॉडी के अदर ऑर्गन्स में नहीं गया है। थर्ड स्टेज होती है मेटास्टेटिक CA प्रोस्टेट जो कि कैंसर सारे शरीर में, हड्डियों में या दूसरे ऑर्गन्स में फैल गया है।